आपको कहा था कि ये बहुत तंग करता है, ये देखें ये गोट को कितना ज्यादा यार तंग कर रहा है। तो गाइज मुझे लगता है कि माशाल्लाह से ये जो आधा किलो वाला बर्तन है वो इसी एक गोट से भर जाएगा। एक गोट का माशाल्लाह आधा किलो दूध हो गया था। आप एक दिन का 1000 रुपया अर्न करते हैं और अगर आप 30 दिन सीएल करते हैं तो गाइज पूरा 30,000 आप एक महीने में जो है वो इन बकरियों के दूध दूध से कमा सकते हैं। जब भी मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो अक्सर लोग पूछते हैं कि यार तुमने ये कहाँ से खरीदिया, हमने भी इसके साथ की जो बकरियां है ना वो लेनी है। तो अगर गाइज को ये वाली ब्रीड चाहिए हो तो आप नहीं यार, अभी हम जो है इसकी जो आगे ब्रीड होगी वो सेल करेंगे, इसको नहीं हमने सेल करना अभी। अगर आपको गाइज अच्छे पैसे दें इसके फिर भी नहीं सेल करनी है क्योंकि ये मैंने बहुत शौक से रखी हुई है, इसकी जो आगे ब्रीड होगी वो इंशाल्लाह जरूर सेल करो। तो गाइज माशाल्लाह से यार काफी प्यारी ये गोट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज के व्लॉग में मैं आपको करवाऊंगा मुकम्मल अपने मिनी जू का विजिट और दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास जितनी भी गोट्स हैं या मेरे पास जितने भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी हैं मेरे पास, मैंने कैसे बाय किया था। गाइज मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप भी बाय करना चाहते हैं, आप कोई फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कैसे कर सकते हैं यार, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आपको इन्फॉर्मेशन देने की और आप जो है इनसे डेली बेस पे कितनी अर्निंग कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो गाइज बहुत ही ज्यादा आज का जो व्लॉग है वो इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है, तो आपने जो है व्लॉग को एंड तक लाजमी से देखना है। तो सबसे पहले यार मैं आपको विजिट करवाऊंगा अपनी गोट्स। ये देखे माशाल्लाह मेरे पास कितनी ज्यादा गोट्स है। ये गाइज मैंने कैसे बाय की थी, कैसे जो है पहली गोट से सफर शुरू हुआ था, इंशाल्लाह आपको सब कुछ जो है इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और ये थे देखे माशाल्लाह मैंने एक गाय भी बाय की थी जो कि अब उसने एक बेबी दे दिया है और उसका भी एक बेबी है। और जल्दी से जो है गाइज मैं यहाँ पे जो ये दरवाजा इसको खोलता हूँ। तो गाइज अभी जो है मैं आ गया हूँ इन गोट्स के घर में। सबसे पहले यार मैं आपको सब गोट्स दिखाऊंगा, उसके बाद माशाल्लाह मेरे पास काफी ज्यादा पिजन भी है, पिजन भी आपको दिखाएंगे, उसके बाद गाय भी चेक करवाएंगे, चिकन भी चेक करवाएंगे, माशाल्लाह और भी बर्ड्स हैं हमारे पास, सब आपको चेक करवाएंगे। तो गाइज सबसे पहले जो मेरा सफर शुरू हुआ था, मैं एक दोस्त था, एक यानी कि लड़का था, उसके साथ ऑनलाइन वर्क करता था, काम करता था। और उस वक्त यार आज से तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है, उस वक्त जो है मेरी सैलरी जो थी वो थी 30,000, ठीक है। उसमें से यानी कि 15,000 मैं घर देता था और 15,000 में से 5,000 जो मैं खुद के खर्च के लिए रखता था और 10,000 मैं सेव करता था। और उस 10,000 में 10,000 को मैंने जो गाइज तकरीबन 10,000 6 मंथ जो इकट्ठा किया था और मेरे पास टोटल हो गया था 60,000 रुपये। और गाइज उसमें जो मैंने गोट बाय की थी, 3 गोट बाय की थी, एक माशाल्लाह ये वाली गोट थी ये देखें, और 2 गोट और थी गाइज वो मैंने सेल कर दी हैं अब, क्योंकि यार उनमें से मुझे कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा था। वो काफ़ी यानी कि 2-2 साल जो है गाइज वो प्रेगनेंट नहीं होती थी, तो इसलिए यार मैंने उनको सेल कर दिया क्योंकि उनमें से कोई भी मुझे प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा अब इसने जो गाइज बेबीज दिए थे वो आपको दिखाता हूँ कि इसने कितने बेबीज दिए। इसको तकरीबन 2 से 3 साल हो गए मेरे पास। ये गाइज तकरीबन जो है 2018 सन की बात होगी, क्योंकि यार तकरीबन भी 4-5 साल पहले की बात है। अब तो 2024 चल रहा है या 19-20 की यार बात होगी, मुझे इतना कन्फर्म अभी याद भी नहीं है। और ये देखे ये माशाल्लाह मैंने गोट बाय की थी, ये एक गोट थी, इसके अलावा 2 गोट्स और भी थी जो कि गाइज मैंने आपको पहले बताया सेल कर दी। अच्छा इसने जो है मेरे पास आके टोटल 4 दफा इसने बेबीज दिए हैं। और आपको पहला पहला जो इसका बेबी था वो दिखाता हूँ। जो इसका गाइस पहला पहला बेबी था वो ये वाली गोट थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी गोट है ये। तो हमार इसके बारे में कुछ बताओ कि इसने कितने बेबी दिए हैं अभी तक। इसने यार हमारे पास 2 बार ये सुई है और इसने जो है 2 बेबी दिए हैं। एक इसका जो था वो डेड हो गया था और दूसरे वाला माशाल्लाह ये है। ये देखे गाइस माशाल्लाह इसने भी यानी एक बेबी आगे दिया है। यार इसने एक पहले बेबी दिया था जो की फीमेल गोट थी, तो वो यार डेड हो गई क्योंकि उस वक्त सर्दी बहुत ज्यादा थी और हम उसे नहीं बचा सके थे। और गाइज जो उसकी जो आपको मैंने बकरी दिखाई अपनी पहले वाली, जो उसने दूसरे नंबर पे बेबी वो ये वाली गोट थी, ये वाली है जो कि काफी छोटी रह गई है, बिल्कुल छोटी। अच्छा, सी इसका जो बेबी है वो किधर है? वो इधर इसका भी ये वाला है, इसका बेबी माशाल्लाह ये इसका बेबी है। ये बहुत शैतान है, बहुत ज्यादा बेबी है। और इसके बारे में कोई शैतानी इसकी बताना चाहो गाइज? बस वीडियो में गाइज खुद ही देख लेंगे। ये बकरियों को बहुत तंग करता है, तो छोटा सा लेकिन ये तंग बहुत करता है। तो गाइज ये इस
उसके यानी कि आपको दिखाया जो बड़ी गोट में लेके आया था दो उसके आपको दिखा दिए, एक ये वाली इसकी जो बेबी था और ये जो दूसरी ये वाली बेबी थी इसका भी एक आगे बेबी है और जो इसका भी एक आगे बेबी है, यानी टोटल जो है पांच हो गए, एक बड़ी बकरी और चार ये टोटल पांच हो गए। अच्छा अब जो इसने तीसरी दफा बेबीज दिए थे वो ये दो बकरे माशाल्लाह से दिए थे, एक ये वाला था और एक ये एक ये वाला। इनको तकरीबन कितना साल हो गया था गाइस, साल साल के होंगे ये दोनों? नहीं नहीं ये तकरीबन अभी पांच मंथ के हैं अभी तो ये दूध पीते हैं। इसकी हरकतें चेक कर लें, पूरे व्लॉग में आप देखेंगे कि ये सब गोट्स को जो है ना तंग करता रहेगा, हालांकि ये सबसे छोटा है इधर। अच्छा गाइस टोटल जो है हमारे पास अब पांच और दो सात हो गए, सात गोट्स एक गोट्स में से जो है गाइस वो मुझे नहीं, इसका एक बिल्कुल छोटा बेबी भी है ना वो जी वो भी दिखा रहे हैं गाइस को। और गाइस ये देखे एक वहां पे आपको नजर आ रहा होगा, ये व्हाइट ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा होगा, ये जो है इसका जो चौथा, जब ये इसने चौथी बार जब ये इसने यानी कि बेबीज दिए थे तो ये इसका चौथा बेबी है। इसने चौथी बार एक ही बेबी दिया था, पहली बार भी एक ही बेबी दिया था जो कि फीमेल गोट थी, दूसरी बार भी इसने फीमेल गोट, तीसरी बार जो है गाइस इसने दिए थे दो बेबी गोट दिए थे जो कि मेल थे दोनों, और जो चौथी बार है गाइस वो इसने सिर्फ एक जो है मेल गोट बेबी दिया था। अच्छा अब जो आपको इसका जो ब्रीडर चेक करवाऊ, ये देखे गाइस ये माशाल्लाह से, ये माद आपने कैसे बाय किया था गाइस को बताओ। अच्छा गाइज ये जो यार मैंने ब्रीडर बाय किया था ना माशाल्लाह ब्रीडर काफी प्यारा है, और गाइज जितनी भी मेरे पास बकरियां यहाँ पे बच्चे दिए हैं सब बकरियां जो है इसी से प्रेग्नेंट हुई थी, सब बकरियों ने जो है इसी के बेबीज हैं इधर। और ये देखे आपको कहा था ये शैतानियां कर रहा है, ये देखे ये जो है इस गोट को अभी तंग कर रहा है। अच्छा गाइज ये जो मैंने उस टाइम बाय किया था ये मैंने बाय किया था 40,000 का, ठीक है ये मैंने 40,000 का उस टाइम बाय किया था, और इसने माशाल्लाह गाइज ये सारा मेरा जितना भी इधर जो वाड़ा आपको बकरियों से भरा नजर आ रहा है सब जो गाइस इसी के हैं, इसी के यानी के सब गोट्स हैं। अच्छा गाइज ये जो मैंने 40K का बाय किया था, और ये मेरे पास पैसे कहाँ से आए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक लड़के के पास काम करता था, जब मैंने तीन गोट्स बाय की थी उसके बाद जो है फिर मैं थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता रहा, जोड़ के जो है मैंने गाइज ये वाला जो है गोट बाय किया था बड़ा बकरा। तो गाइज इस तरह यार मैंने जो है ये वाला बकरा बाय किया था। आप भी यार अगर आप कहीं काम करते हैं, क्योंकि यार मुझे भी पता है आजकल जो महंगाई इतनी ज्यादा यार आसान नहीं है, कुछ भी इतना आसान नहीं है, लेकिन यार आप अपना पेट काट के कुछ ना कुछ आप बचा के जो है फार्मिंग या ऐसा, क्योंकि यार मैं कहूँ कि आप एकदम से जो है 50 बकरियां ले आए 100 ले आए ऐसा नहीं हो सकता यार, मैं मेरे खुद के साथ जो बीती है मैं आपको वही बता रहा हूँ। और यार आज की इस वीडियो में आपको कोई फेक इन्फॉर्मेशन कोई ऐसा सीन नहीं है, आप बेशक अगर मेरे करीब कहीं रहते हैं आप मेरे पास आके विजिट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सब कुछ विजिट करवाने के लिए भी रेडी हूँ। तो अभी गाइज टोटल मैंने आपको 9 गोट्स जो है वो गिनती करवा दी, एक पहली पहली गोट और जो बाकी उसके सारे बेबीज थे, और ये जो है उनके फादर साहब इधर खड़े हैं सबके। तो आ यार पहले मिल्किंग कर रहे हैं क्योंकि मेरा यार जो है चाय पीने का बहुत दिल कर रहा है। तो गाइज अभी जो माद कह रहे हैं मिल्किंग कर लेते हैं। गाइज मेरे पास यार कुछ जो गोट ज्यादातर प्रेग्नेंट हैं जो है बेबी देने वाली हैं, इसलिए जो अभी इतना ज्यादा दूध नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना दूध निकल आएगा। सबसे पहले किस बकरी की मिल्किंग, ये जो एक थन वाली है इसका निकालते हैं। अच्छा गाइज ये हमारे पास एक गोट है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक थन है, यहाँ पे देखें इसका माशाल्लाह से चेहरा कान दिखाए, ये माशाल्लाह से गोट। अगर यार आप गोट के कोई शौकीन है या आप गोट्स पाली हुई हैं गोट के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं तो आपने जरूर बताना है कि ये गोट जो है ये कौन सी है, किस नस्ल की गोट है, और आपके पास गोट्स है या नहीं ये आपने जरूर बताना है। अच्छा गाइज इसका जो एक थान है जो अभी इसकी मिल्किंग करेंगे और गाइज आपको दिखाएंगे कि ये माशाल्लाह से कितना दूध देती है। गाइज इसका एक ही थान है, ये थोड़ा तंग कर रही है, मैं जो इसकी ये वाली टांग पकड़ लेता हूँ, और ये देख माशाल्लाह से इसकी जो मिल्किंग की जा रही है। गाइज हमने जो है अभी सुबह इनका दूध जो है मिल्किंग की थी इनकी, तो अभी फिलहाल दूध थोड़ा ही होगा, लेकिन आपको दिखाएंगे कि सब गोट्स की मिल्किंग करके कितना दूध होता है। अभी माशाल्लाह से ये गाइज तकरीबन इसका कितना पाइया होगा, जी पाइया है। तो गाइज ये जो है आधा किलो वाला है ना, तो इसने हाफ जो है भर दिया है, अभी जो है हाफ इस बकरी से ले लेते हैं। यार मिल्किंग सब की करके दिखानी है गाइज, ये इस गोट की मिल्किंग करेंगे, यार आपको दिखाएंगे कि इसका माशाल्लाह काफी ज्यादा दूध है। और ये देखे ये माशाल्लाह इसके गाइस काफी ज्यादा इसका दूध है, अभी जो है इसकी मिल्किंग करते हैं और देखते हैं कि इसका दूध कितना होता है टोटल। गाइस अभी फिलहाल इसकी मिल्किंग कर रहे हैं, और ये देखें ये बहुत गौर से हमें देख रही है। गाइस ये कहना चाह रही है
है कि आप मिल्किंग बहुत कम करते हैं और जो मिल्किंग है वो आप ज्यादा किया करें। अभी ये देखें माशाल्लाह कितना ज्यादा दूध नजर आ रहा होगा आपको, तो अभी जब इसकी मिल्किंग करेंगे गाइज फिर पता चलेगा कि टोटल जो है कितना इसका मिल्क होता है। तो गाइज मुझे लगता है कि माशाल्लाह से ये जो आधा किलो वाला बर्तन है वो इसी एक घोड़ से भर जाएगा। और गाइज ये देखें, आपको कहा था कि ये बहुत तंग करता है, ये देखें ये गोट को कितना ज्यादा यार तंग कर रहा है। हालांकि ये जो है इसकी मम्मी की उम्र की है, मम्मी की उम्र से भी ज्यादा की है और ये उसको तंग कर रहा है। ये देख अभी गाइज जो बर्तन है माशाल्लाह से वो भरने वाला है बस। तो गाइज माशाल्लाह से देखे बर्तन जो है आधा किलो का बर्तन था और बिल्कुल जो है फुल हो गया है। हमारे ये रखा और उधर से और दूध जो मिल्किंग करनी है? नहीं बस यार ये अभी काफी है, बाकी शाम को कर लेंगे बाकी बस। तो गाइज ये थे यार जो है आपको मैंने दिखाया कि एक गोट का माशाल्लाह आधा किलो दूध हो गया था। और यार आप एवरेज लगा लें कि अगर आपके पास सिर्फ 10 गोट भी हो, यार मैं अपनी जो तरफ से कह रहा हूँ, बाकी आपके पास जितनी गोट है उसका मैं नहीं कह रहा, क्योंकि यार मुझे पता है हमें से कुछ दोस्तों के पास कम भी होगी, कुछ के पास ज्यादा भी होगी। तो आप एक एवरेज निकाल लें कि अगर आप आधा किलो दूध, गाइज बहुत ज्यादा दूध देने वाली गोट्स भी होती हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे 3-4 किलो दूध देने वाली भी गोट्स होती हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगी आती हैं। तो हमने यार अपने आपको भी देखना है कि हम कितना जो है इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अच्छा यहाँ पे अगर आप आधा किलो दूध देने वाली भी एक गोट बाय कर लेते हैं और आपके पास टोटल 10 गोट्स हैं, तो आप एवरेज लगा लें कि जी 10 गोट जो है 5 किलो दूध देंगी, ठीक है। तो 5 किलो दूध का जो है आप हमारे जो इलाके में यार वो इस वक्त तकरीबन 200 रुपए किलो दूध चल रहा है, 150-200 रुपए किलो दूध चल रहा है, जो कि गोट्स का दूध है वो थोड़ा महंगा है, बाकी यार बड़े जानवर का दूध सस्ता है। तो आप लगा लें कि अगर 200 भी हो, 5 किलो दूध हो, 200 के हिसाब से 1000 का बनता है। अच्छा 1000 का मतलब कि आप एक दिन का 1000 रुपया अर्न करते हैं, और अगर आप 30 दिन सीएल करते हैं तो गाइस पूरा 30000 आप एक महीने में जो है वो इन बकरियों के दूध दूध से कमा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है गाइस डेली बेस पे जो आपकी यानी के बकरियां प्रेग्नेंट होंगी, बेबीज देंगी, वो प्रॉफिट आपका एक साइड पे है। अच्छा गाइज मैं आपको जो है अपनी बकरियां चेक करवा रहा था कि मैंने कैसे बाय की थी। टोटल जो है मैंने आपको 9 गोट्स गिनती करवा दी हैं, जिनमें से गाइज जो है एक जो पहले मैंने गोट जो पहले मैंने बाय 3 की थी, लेकिन 2 मैंने सेल कर दी थी, क्योंकि यार वो ना तो प्रेगनेंट हो रही थी ना बेबीज दे रही थी, उनमें मुझे बिल्कुल प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा था। तो आप भी यही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से आपको जिस गोट से प्रॉफिट आ रहा हो आपने वो रखनी है, जिससे नहीं आ रहा वो आपने सेल आउट कर, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है मैं कौन सी गोट्स मैंने बाय की थी वो आपको दिखाता हूँ। इनमें से टोटल जो है 9 गोट हो गई है। अच्छा गाइज टोटल 9 गोट्स आपको गिनती करवा दी हैं, और गाइज वो जो मैंने बड़ा ब्रीडर बाय किया था वो भी तकरीबन आज से 3 साल पहले बाय किया था, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि मेरी शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत रही है, मैं अपने जितनी भी जो सैलरी होती थी उसमें से कुछ ना कुछ जो है हर मंथ पैसे जो है वो साइड पे रख लेता था, जो कि आप यूं समझ ले मैं भूल जाता था कि मेरे पास पैसे पड़े, और जब इतने खो जाते थे कि उनमें से एक दो गोट आ सकती है मैं जल्दी से जाके बाय कर लेता था। उसके बाद ये वाली माशाल्लाह से गाइस देखिए ये गोट हमने बाय की थी, जो कि माशाल्लाह काफी प्यारी गोट है, और गाइस इसके साथ जो है इसकी एक बेबी भी है, गोट बेबी, ये देखे माशाल्लाह से फीमेल कितनी प्यारी माशाल्लाह से गाइज ये गोट है। और ये जो गाइज मुझे पड़ी थी तकरीबन ये मैंने दोनों बाय की थी, कितने की बाय की थी दोनों यार ये नहीं बताना अभी, तो गाइज ये अभी आपको नहीं बताना। और ये माशाल्लाह से ये जो है माँ बेटी मैंने बाय की थी, और ये जो गाइज दोनों मिला के टोटल 11 गोट्स होगी, 11 गोट जो है हमारे पास हो गई है। अच्छा उसके बाद फिर गाइज जो है मैं थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करता रहा, इस वक्त जो इस मंथ यानी मैंने जो काफी ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए थे, और गाइज मैं बाय करके लाया था 6 गोट इकट्ठी गाइज, जो के आते ही गाइज अगले दिन जो है माशाल्लाह से सारी मेरे पास प्रेग्नेंट हो गई थी, सब जो है इस जो बकरे का कमाल था इसने जो है गाइज सब बकरियां प्रेग्नेंट कर दी थी। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह गाइज मेरे पास सब जो गोट्स हैं वो प्रेग्नेंट हैं और बेबी देने वाली हैं, वो जब बेबी देंगे इंशाल्लाह वो भी गाइज आपको मुकम्मल व्लॉग बना के दिखाएंगे। तो अभी गाइज को 6 गोट चेक करवाओ, चलो भाई। तो गाइज अभी बारी है आपको 6 गोट जो मैंने इकट्ठी बाय की थी, उनमें से माशाल्लाह एक ये गोट थी और दूसरे नंबर पे एक ये हो गई, और ये टोटल यानी 12 गोट्स होगी। उसके बाद गाइज ये वाली गोट थी, 13 गोट होगी टोटल,
और जो है एक ये वाली है और ये दूसरी साथ ही खड़ी है। 14-15 गोट्स हो गई। एक ये देखे गाइज माशाल्लाह से ये वाली गोट, टोटल 16 गोट्स हो गई। और गाइज आप और भी दिखाता हूँ, ये देखे एक माशाल्लाह से ये गोट थी, 17 गोट्स होगी गाइज टोटल। ये वाली है, ये वाली हमारी नहीं है गाइज। ये टोटल जो हम 6 गोल्ड लेके आए थे आपको 5 दिखाई हैं। एक गोल्ड जो है गाइज वो मेरा कजन ले गया था, क्योंकि यार उनके पास जो है दूध वगैरह नहीं था इतना ज्यादा चाय शाय पीने के लिए, तो वो एक गोल्ड ले गया था मुझसे। और गाइज उसकी जो 2 गोल्ड्स हैं अभी मेरे पास आई हुई हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक जो है गाइज ये वाली है उसकी गोट, ये जो माशाल्लाह एक थान वाली गोट है ये भी उसकी है। और ये यहाँ पे एक और बड़ी गोट खड़ी है ब्लैक कलर की, वो भी आपको दिखाता हूँ। कि ये 2 गोट जो है मेरे पास आई है प्रेग्नेंट होने के लिए, ये देखे माशाल्लाह से, जिसको ये तंग कर रहा है कमीना। ये वाली गोट है, ये भी गाइज गोट उसी की है, ये दोनों गोट मेरी नहीं है। और गाइज जो सबसे एंड पे हम बाय करके लेके आए थे वो गोट आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह से देखें गाइज इसके बारे में हम आज बताओ आप। ये बहुत की कमाल की चीज है, तो देखें आप और कमेंट में बताएं लाजमी के वाकई ये कमाल की है भी या मैं ऐसे ही खुद से छोड़ी जा रहा हूँ। तो ये यार बाय कहाँ से की थी गाइज को ये भी थोड़ा सा, ये इधर हमारे पास ही एक मलाना वाली बस्ती है, हमने उधर से बाय की थी। तो ये जब भी मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो अक्सर लोग पूछते हैं कि यार तुमने ये कहाँ से खरीदी है, हमने भी इसके साथ की जो बकरियां है ना वो लेनी है। तो अगर गाइज को ये वाली ब्रीड चाहिए हो तो आप? नहीं यार अभी हम जो है इसकी जो आगे ब्रीड होगी वो सेल करेंगे, इसको नहीं हमने सेल करना अभी। अगर आपको गाइज अच्छे पैसे दें इसके फिर भी नहीं सेल करनी है, क्योंकि ये मैंने बहुत शौक से रखी हुई है, इसकी जो आगे ब्रीड होगी वो इंशाल्लाह जरूर सेल करो। तो गाइज माशाल्लाह से यार काफी प्यारी ये गोट है। तो ये थी यार मेरे पास टोटल जितनी भी गोट थी जो मैंने आपको चेक करवाई थी। ये देखे माशाल्लाह से ये काफी प्यारा छोटा सा गोट बेबी है, जो कि पहली आपको गोट दिखाई थी उसी का है। तो गाइज ये थी मेरे पास टोटल सारी गोट्स जो कि मैंने आपको दिखाई है। ये आपको टोटली इन्फॉर्मेशन दी है कि यार मैंने कैसे गोट बाय की थी और मेरे पास आके कौन कौन सी जो गोट है वो प्रेग्नेंट हुई, कितने उसने बेबी दिए, सब कुछ A to Z मैंने आपको बता दिया। हाँ अगर यार इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझसे रह गई हो जो मैं आपको नहीं बता सका तो आपने कमेंट लाजमी से कर देना, क्योंकि यार मैं आपका कमेंट सारे पढ़ता हूँ और आप पीछे वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, सारे कमेंट्स का आपको रिप्लाई भी करता हूँ। तो आपने जो है लाजमी से कमेंट कर लेना है कि भाई आपने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो गाइज मैंने आपको गोट्स के रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी यार इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग है उसमें हम आपको बताएंगे कि बाकी जो मेरे पास गाय मैंने कैसे बाय की थी और जो है पिजन वगैरह हो गई या फिर चिकन होगी वो कैसे बाय की थी, क्योंकि यार ये व्लॉग काफी ज्यादा बड़ा हो जाना है, तकरीबन 1 घंटे से ऊपर चला जाना है अगर मैंने आपको एक व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ यार वीडियो आपको पसंद आई होगी। यार वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक लाजमी से कर दे। और गाइज अगर आप गोट्स बाय करना चाहते हैं, गोट बेबी बाय करना चाहते हैं, आपने नीचे कमेंट लाजमी से कर देना है, जो मैं आपको इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी गोट जो है गोट बेबी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी और इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।